वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स वाला टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं भैया सबसे बड़े खतरे के बारे में, या साधारण भाषा में बोले एक ऐसा टॉपिक जो कि कक्षा 12वीं से या 11वीं से ही आपको परेशान कर लेता है, पर होता क्या है, वो होता ना भूत भूत भूत, पर भूत नहीं है, अब भूत आ गया है। यानी कि 11वीं में लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर था, स्केल नहीं था। 12वीं में जब माइक्रो थी तब लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर था, स्केल नहीं था। अब बीकॉम में लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी है और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी है। ये दोनों चीजें आपकी आ गई हैं इन केस ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, तो भाई डरने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी चीज बस आपको बोलूंगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, जिसको साधारण भाषा में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है, उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसके स्टैंडर्ड डायग्राम है, उसका स्टैंडर्ड शेड्यूल है, उसके स्टैंडर्ड फेजेस है। इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड शेड्यूल मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डायग्राम भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये अलग अलग चीजें हैं, तो मैं अलग अलग डायग्राम आपको समझा दूंगा कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सा कम मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करना। पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर अपनाते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब प्रोडक्शन करने के लिए बहुत साल है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, बहुत साल है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो पूरा का पूरा प्लांट उठा के मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी मशीनरी उठा के मैं दूसरी जगह ले जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी बदल डालूंगा, यानी कि मैं कर सकता हूं। तो इनकेस ऑफ लॉन्ग रन लेबर भी चेंज हो सकती है, कैपिटल भी चेंज हो सकती है और आपका प्रोडक्शन तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, सो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूं, वन यूनिट ऑफ कैपिटल, वन यूनिट ऑफ लेबर इक्वल्स टू 5 यूनिट ऑफ क्यू। यानी कि एक यूनिट लेबर की, एक यूनिट लेबर की दोनों मिला के 5 यूनिट का क्यू करते हैं। क्यू मतलब आउटपुट करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी बनाते हैं। तो भाई एक यूनिट ऑफ लेबर, एक यूनिट की कैपिटल दोनों मिलकर 5 यूनिट की क्वांटिटी बनाते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। मान लो अब अगर मैं अपनी लेबर को और कैपिटल को डबल कर देता, इफ आई डबल माई लेबर इफ आई डबल माई कैपिटल, यानी कि मैं 2k कर देता हूं कैपिटल को और 2l कर देता हूं लेबर को, दोनों को बढ़ा सकता हूं, तो मेरा प्रोडक्शन कितना है, तो मेरा प्रोडक्शन कितना है। यानी कि अगर लेबर डबल हुई, कैपिटल डबल हुई, तो आउटपुट में क्या होगा। अगर मान लो कि आउटपुट भी डबल हो गया तो यह कहलाएगा कॉन्स्टेंट रेशियो या कॉन्स्टेंट रिटर्न। कॉन्स्टेंट रिटर्न का मतलब चेंज इन प्रपोर्शन इन लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू चेंज इन प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट। यानी कि इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हम ये बात नहीं कर रहे कितना बढ़ा, हम ये बात कर रहे हैं कितने प्रपोर्शन में बढ़ा। अगर ये दुगने हुए हैं तो ये कितना गुना हुआ, अगर ये भी दुगना हुआ तो ये दुगना हुआ, इसका प्रपोर्शन डबल है तो इसका प्रपोर्शन भी डबल है, तो यानी कि कॉन्स्टेंट। मैंने बोला कि ये डबल हो गए, ये 50 हो गया, ये 10 टाइम्स बढ़ गया, ये 2 गुना हुआ, ये 10 गुना हो गया, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न कहलाएगा। ये 2 गुने हुए, ये 2 गुना भी नहीं हुआ, ये 5 क्वांटिटी से 6 क्वांटिटी हुई, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न। ऑल्दो इट इज इंक्रीजिंग बट क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न। ध्यान रखें लॉन्ग रन में कभी भी ऐसा नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों, बहुत लंबे समय की बात है, आप अगर प्लांट बदल रहे हो तो 5 की जगह 6 तो बनाओगे ही बनाओगे, नहीं बनाओगे तो कभी ऐसा नहीं होता। आउटपुट जो आपका प्रोड्यूसर है ना, वो दिमाग वाला होता है, वो ये नहीं सोचता मैं यहां से प्लांट उठा के वहां ले जाऊंगा प्रोडक्टिविटी कम कर दूंगा, वो पूरा का पूरा प्लांट उठा के वहां ले जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। अगर पैसा लगाया तो 1 रुपए भी आए तो आए तो सही, प्रोडक्शन तो हुआ ना, प्रोडक्शन इंक्रीज है तो कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं होता है इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज होते थे, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। यहां भी 3 फेज होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न और नेगेटिव, सॉरी डिक्रीजिंग रिटर्न। 3 फेज होते हैं, कौन कौन से देखो, कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कौन से, कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इन तीनों का मतलब समझ रहे, पहले डेफिनेशन समझेंगे। इन द गिवन सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट, यानी कि हम यहां पे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक गिवन है कि भाई एक ये है एक ये है, तो दोनों मिला के 5 बना रहे। ठीक है, ऑल द फैक्टर्स आर इंक्रीज इन सेम प्रपोर्शन, इन फैक्टर्स को एक सेम प्रपोर्शन में बनाया गया।
दुगना कर दिया, तीन गुना कर दिया, दस गुना कर दिया दोनों, एंड द आउटपुट इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन, एंड इफ लगाना मुझे, एंड इफ अगर उससे आपका आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है, यानी कि ये दुगने हुए तो ये भी दुगना हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न टू स्केल। कैसा स्केल? मतलब एक नए लेवल पे चले जाना, नए स्केल करना मतलब एक नए लेवल पे उठ के चले जाना, ठीक है, दैट इज रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल कैसा है? कॉन्स्टेंट है। क्यों? जितने गुना ये बढ़ा उतना गुना ही ये बढ़ा, दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न। एंड इफ आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट, देन इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर आउटपुट आपका इस प्रोपोर्शनेट से ज्यादा बढ़ गया, यानी कि अगर ये लेबर और कैपिटल दुगनी की गई है और ये मान लो 10 गुना बढ़ गया, 50 हो गया, 5 से बता 10 गुना इंक्रीज हो गया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, देन इट इज व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न। एंड इफ आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेट, और अगर आपका आउटपुट उस प्रोपोर्शनेट से कम बढ़ा, या डबल हो रहा है, पर या डबल नहीं हो रहा, डबल से थोड़ा सा कम है, देन इट इज नोन एज डिक्रीजिंग रिटर्न। हमेशा याद रखना कि कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आएगा इन केस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो मिनिमम उतना प्रोडक्शन तो करोगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा तो करोगे ही करोगे, क्योंकि आपकी पुरानी यूनिट ही पहले उतना प्रोडक्शन कर रही थी, नया प्लांट लगाया तो उसमें प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। इसको अगर समझना है तो इसको समझने के लिए अपन एवरेज प्रोडक्ट की मदद से समझेंगे, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट की मदद से समझते हैं किस तरीके से काम होता है। देखो, लैंड और कैपिटल एक एक है और प्रोडक्ट अपना 100, फिर अपन ने डबल करा, ट्रिपल करा, चार गुना, पांच गुना, छह गुना, सात गुना, आठ गुना, तो देखते हैं प्रोडक्ट पे कितना फर्क पड़ा। यहां 1-1 था, 100 बना था, दुगना करा टोटल प्रोडक्ट 250 हो गया, तीन गुना करा टोटल प्रोडक्ट 450 हो गया, चार गुना कराया मतलब एक यूनिट और बढ़ाई 760, पांच गुना करा 950, छह गुना बढ़ा 1140, सात गुना करा 1260 और आठ गुना करा 1280, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, इतने में तो आप बता सकते हो ये दुगने हुए, ये दुगने से ज्यादा है, 100 का दुगना होता है 200, ये 250, पहले का तीन गुना हो रहा है, 100 का तीन गुना 300 होता है, 450 इंक्रीजिंग रिटर्न। बट हाउ टू रिप्रेजेंट इट, हम एवरेज प्रोडक्ट की मदद से निकालते हैं। 1 250 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स, 450 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स, ये क्या हो रहा है, ये रिटर्न। देखो एवरेज प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज आपका जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इसमें है उससे ज्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज यहां है, तभी तो आपका एवरेज बढ़ रहा है। अगर आपके अभी एवरेज मार्क्स 75 आ रहे हैं, पांचवें सब्जेक्ट के मदद से आपको 80 लाने हैं, तो आपको पांचवें सब्जेक्ट में 80 मार्क्स से ज्यादा लाने ही लाने पड़ेंगे। यहां एवरेज बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है, मतलब इंडिविजुअल मार्क्स भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो यहां आया 760 बाय ये, तो ये हुआ 190, ये वापस 190 और ये वापस 190, ये तीन 190 की फेज है। तो भाई चौथी यूनिट तक देखो, यहां तक तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, 100 से 125, 125 से 150, 150 से 190, तो ये तो क्या हो गया, फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, व्हेन यू आर गेटिंग रिटर्न ऑन एन इंक्रीजिंग। ये क्या हुआ, फेज ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न, जहां आपको रिटर्न तो मिल रहा है पर उतना ही, यहां 190 का मतलब ये नहीं है, यहां मार्जिनल नहीं लिखा हुआ, मार्जिनल होता है इसका मतलब जीरो रिटर्न। यहां क्या मतलब है, अगर ये होता है इसका मार्जिनल होता है जीरो हो जाता। यहां क्या है आपका, यहां एवरेज प्रोडक्ट है, मतलब यहां पे जितनी प्रोडक्टिविटी थी इसमें भी उतनी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन सेम नहीं है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही है, यानी कि इतना यहां जितना प्रोपोर्शनेट बढ़ा उतना ही प्रोपोर्शनेट आपका यहां इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, एवरेज निकाला 180 और ये 160, मतलब यहां से आपका जो है वो रिटर्न मिल रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट की, आपका जो रिटर्न है वो कम होता जा रहा है, लगातार कम हो रहा है, ठीक है। तीन चार चीजें अपन ने देखी, पहली इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉन्स्टेंट रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न। ये रिटर्न कभी भी नेगेटिव नहीं होगा आपका, इस चीज का हमेशा याद रखें, ठीक है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, एक ऐसा लॉ ये बताता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज आपके फैक्टर्स में आया है आपके आउटपुट में, उससे कितना ज्यादा या कितना कम प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, ठीक है। इस चीज का हमेशा याद रखें, यहां प्रोपोर्शनेट चेंज की बात करी जा रही है, यानी कि लैंड और लेबर को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया जा रहा है, उससे आउटपुट कितना प्रोपोर्शनेट बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनेट चेंज। बढ़ेगा तो सही, हमेशा बढ़ जाएगा, पर यह हमेशा याद रखना कितना बढ़ रहा है, इससे बात नहीं कर रहे 5 से 6 हुआ,
ये डबल हुआ तो ये कितना गुना हुआ, ये ट्रिपल हुआ तो ये कितना गुना हुआ, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। कल अपन बात करने वाले हैं इनके डायग्राम्स की, तीनों फेजेस की, कॉन्स्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न की। ये तीनों रिटर्न जो है वो कैसे करते हैं और तीनों रिटर्न के अंदर आपके डायग्राम किस तरीके से बनते हैं, तीनों के तीन अलग डायग्राम आपको बनाने हैं, तभी इसमें ये और लॉ ऑफ रिटर्न प्रोपोर्शन जो है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग कहे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल से मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि बीकॉम बीबीए या बीसीए में है। सो टिल देन कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड